हे गाइस, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि में। फ्रेंड्स, आज हम टॉप 10+ करंट अफेयर्स अगस्त 2019 का पार्ट फर्स्ट देखेंगे। ठीक है गाइस, तो अगस्त के और भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, वो अगली वीडियो में आएंगे। तो ये वीकली वीडियो है, ठीक है, आपको वीकली जो है करंट अफेयर्स की वीडियो मिलेगी, ठीक है, जिसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ही इंक्लूड करूँगा, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 9 अप्रैल 2019 से विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो गाइज, ये बने हैं डेविड मालपास। कौन बने हैं? डेविड मालपास। और डेविड मालपास से पहले कौन थे इसके अध्यक्ष? जिम योंग किम। ठीक है, कौन थे? जिम योंग किम। लेकिन इन्होंने जो है अपना कार्यकाल ख़त्म होने से पहले इस पद से इस्तीफा दे दिया था। तो ये पद काफ़ी टाइम से जो है वो खाली चल रहा था। तो इसके जो अंतरिम अध्यक्ष थी वो कौन थी? वो थी क्रिस्टालिमा इवानोव जियोर्जीवा। ठीक है गाइस, अंतरिम जो अध्यक्ष थी वो कौन थी? क्रिस्टालिमा इवानोव जियोर्जीवा। और अब कौन इसके अध्यक्ष बने हैं? डेविड मालपास। चलिए गाइस, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार 2019 में पत्रकारिता के पुरस्कारों में सर्वाधिक प्रतिष्ठित जनसेवा का पुरस्कार किस समाचार को दिया गया है? तो गाइस, ये दिया गया है सन सेंटिनल को। किसको दिया गया है? द सेंटिनल को। और देखिए, पुलित्जर पुरस्कार जो दिया जाता है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। याद रखेंगे, ये काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होता है कि पुलित्जर पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आप याद रखेंगे, पत्रकारिता के। चलिए गाइस, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान 2018 किस कवि को दिया गया है? तो गाइस, ये दिया गया है के शिवा रेड्डी को। ठीक है, के शिवा रेड्डी जो हैं वो तेलुगु कवि हैं। कौन से कवि हैं? तेलुगु कवि। और इस बार का जो ये सरस्वती सम्मान है वो 28वें नंबर का, याद रखेंगे। आप पूछता कि कौन से नंबर का है, तो आप याद रखेंगे 28वें नंबर का। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। देखिए, अनुसूची 8 में जितनी भी भाषाएं हैं, 22, ठीक है, उनमें से किसी एक भाषा में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। मतलब आपने 10 साल में किसी एक भाषा में उत्कृष्ट लेखन किया हो। ठीक है गाइस, और बात करें इनको किस मतलब किस कविता के लिए या इनकी किस संग्रह के लिए दिया गया था इनको, तो पक्का की। ठीक है, पक्का की ओट्टी गिलीते, ओट्टी गिलीते। तो आप याद रखेंगे कि के शिवा रेड्डी को जो सरस्वती सम्मान 2018 दिया गया है वो इनकी किस कविता संग्रह के लिए दिया गया है, तो पक्का की ओट्टी गिलीते। अब इनकी ये कविता संग्रह जो है कब प्रकाशित हुई थी, ये भी याद आप याद रखेंगे, 2016 में। ठीक है, कब प्रकाशित हुई थी? 2016 में। अब बात करें, इससे पहले वाला देख लेते हैं, सरस्वती सम्मान 2017 जो दिया गया था वो दिया गया था सितांशु यशचंद्र को। किसको दिया गया था? सितांशु यशचंद्र को। गाइस, प्रथम की बात करें, पहला कि प्रथम सरस्वती सम्मान किसको दिया गया था, तो हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था। गैस, ये जो सरस्वती सम्मान है ये किस संस्था द्वारा दिया जाता है, ये भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये दिया जाता है के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा। ठीक है गैस, चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना पूरे देश में कब लागू की जाएगी? तो गैस, ये की जाएगी 30 जून 2020 तक। कब तक पूरी मतलब लागू की जाएगी पूरे देश में? 30 जून 2020 तक। और गाइस, हमारे जो केंद्रीय उपभोक्ता तथा खाद्य और सार्वजनिक जो वितरण मंत्री हैं वो कौन है, ये भी आप याद रखना, रामविलास पासवान। कौन है? रामविलास पासवान जी। चलिए गाइस, पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान रूल ऑफ निशान इजुद्दीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है? तो गाइस, ये दिया गया है मालदीव द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? मालदीव द्वारा। देखिए गाइस, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना दूसरा कार्यकाल संभाला था तो इन्होंने मालदीव की यात्रा की थी। ठीक है, पहले मालदीव की और उसके अगले दिन कहाँ पे गए थे? ये श्रीलंका। इन्होंने मालदीव को क्यों चुना? आपको याद होगा जब दिसंबर 2018 में, ठीक है, मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली जब आए थे, ठीक है, भारत, तो उन्हीं की थीम पर मोदी जी ने भी मालदीव को चुना। ठीक है गाइस, चलिए छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन है, शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ संपन्न हुआ? तो गाइस, ये जो संपन्न हुआ है किर्गिस्तान में हुआ, किर्गिस्तान के
बिश्केक में। अगर वो शहर पूछे तो आप याद रखना बिश्केक में, किस शहर में संपन्न हुआ, बिश्केक में। तो बिश्केक कहाँ है हमारा, किर्गिस्तान में। ठीक है गाइस, इस बार का जो है ये कौन से नंबर का, तो आप याद रखेंगे ये 19वां है। ठीक है, कौन से नंबर का, 19वां। और ये कब हुआ था, 13 से 14 जून। ठीक है गाइस, कब हुआ था ये, 13 से 14 जून 2019 को। ठीक है गाइस, बात करें इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, कुछ पूछे जाते हैं, तो वो हैं इसके सदस्य देश कितने हैं कुल। ठीक है, इसके सदस्य देशों की बात करें तो टोटल है 8 देश। कितने हैं, 8 देश। चीन हो गया, रूस, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। ठीक है गाइस, देखिए जब इसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 1996 में, शंघाई सहयोग संगठन की जब स्थापना हुई थी अप्रैल 1996 में, तो इसमें 5 ही देश थे। ठीक है, 5 ही देश थे, रूस, चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और तजाकिस्तान, 5 थे। फिर 2000 में जो इनका सम्मेलन हुआ था, तो इसमें इन्होंने उज्बेकिस्तान को जोड़ा था। ठीक है, उज्बेकिस्तान को ऐड किया था। ठीक है, और उसके बाद भारत और पाकिस्तान की बात करें तो इनको जोड़ा गया था 2017 में। भारत और पाकिस्तान की बात करें, भारत और पाकिस्तान की, तो इनको 2017 में सम्मिलित किया गया था। दूसरा क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट यहाँ से आता है कि शंघाई सहयोग संगठन का जो है वो मुख्यालय कहाँ पे है, तो यह है बीजिंग चीन में। कहाँ पे है, बीजिंग चीन में। और गाइस एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो पहला मतलब पहला शंघाई सहयोग संगठन हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो वो शंघाई में हुआ था, चीन के शंघाई में। और जो अगली वाली जो शिखर सम्मेलन होगा 2020 का, वो कहाँ पे होगा, तो वो होगा रूस में। कहाँ पे होगा, रूस में। चलिए गाइस सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवां क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान है। तो गाइस इस बार जो भारत को स्थान मिला है वो मिला है 141। कौन सा मिला है, 141। और 2018 में इसकी रैंक क्या थी, 136। कितनी थी, 136। तो देखिए गाइस इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो वैसे तो भारत के पूछा जाता है, लेकिन प्रथम भी पूछ लेता है कभी कभी। तो जो पहला नंबर है वो मतलब 163 में जो सबसे शांतिपूर्वक देश है वो कौन सा है, तो वो है आइसलैंड। कौन सा है, आइसलैंड। ठीक है, बात करें सर्वाधिक अशांति वाला देश की, तो वो है अफ़गानिस्तान। ठीक है, इसकी रैंक जो मिली अफ़गानिस्तान को वो 163वीं रैंक मिली अफ़गानिस्तान को। ठीक है, सबसे अशांति देश अफ़गानिस्तान हो गया और सर्वाधिक शांति वाला आइसलैंड हो गया। और भारत की रैंकिंग पूछता है आपसे तो 141, और 18 की भी बात कर ले तो आप 136। और कितने देशों को मतलब कितने देशों की रैंकिंग थी ये, तो 163 देशों की। बात करें गाइस देखिए पड़ोसी देशों का ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उससे रिलेटिव जरूर पूछा जाता है। तो सर्वाधिक शांति वाला जो देश है भारत का पड़ोसी देश जो है वो कौन सा है, तो वो है भूटान। कौन सा है, भूटान। देखिए इसको 163 देशों में 15वीं रैंक मिली है। कौन सी रैंक मिली है, 15वीं। चलिए आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। आठवां क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन किस शहर में किया गया। तो ये गाइस किया गया था ओसाका जापान में। कहाँ पे किया गया था, ओसाका जापान में। गाइस इस बार का जो शिखर सम्मेलन था 2019 का, ये 14वां शिखर सम्मेलन था। कौन सा शिखर सम्मेलन था, 14वां शिखर सम्मेलन। ठीक है गाइस, देखिए जब भी G20 शिखर सम्मेलन होता है इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, इसकी थीम जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो 2019 को जो थीम है वो क्या है, तो वो है मानव केंद्रित भावी समाज। तो गाइस देखिए G20 शिखर सम्मेलन 2019 की थीम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद रखना, क्या है, मानव केंद्रित भावी समाज। ठीक है गाइस, और जो 15वें नंबर का शिखर सम्मेलन होगा यानी 2020 को, तो वो कहाँ पर आयोजित होगा, तो वो होगा रियाद सऊदी अरब में। कहाँ पर होगा, रियाद सऊदी अरब में। और भारत की बात करें भाई मतलब, तो भारत में कब होगा ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप याद रखेंगे 17वें नंबर का होगा। ठीक है, 17वां G20 शिखर सम्मेलन जो होगा वो 2022 में होगा भारत में। ठीक है, 2022 में आप याद रखेंगे, पूछ सकता है भारत का। चलिए गाइस नवा क्वेश्चन देख लेते हैं। नवा क्वेश्चन है, 52वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो ये किया गया है गाइस बैंकॉक में। कहाँ पर आयोजित किया गया है, बैंकॉक में। चलिए गाइस 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है,
किस राज्य ने हरियाली के संरक्षण और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए 2019 में सेव ग्रीन स्टे क्लीन नाम से एक जागरूकता अभियान चलाया है। तो गाइज ये चलाया गया है पश्चिम बंगाल द्वारा। किसके द्वारा चलाया गया है? पश्चिम बंगाल द्वारा। चलिए 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन है, 2019 में RBI ने किस बैंक को भारत में नियमित बैंकिंग सेवाएं देने की अनुमति दी है? तो ये दी है गाइज बैंक ऑफ चाइना को। चलिए 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन है, 2018 की वैश्विक GDP रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? तो गाइज भारत की जो रैंकिंग है वो है 7वीं। कौन सी रैंकिंग है? 7वीं। चलिए 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वां क्वेश्चन है, कौन सा राज्य दुनिया की पहली अल्ट्रा फास्ट हाइपर लूप परियोजना का निर्माण करेगा? तो गाइज ये करेगा हमारा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य दुनिया की पहली अल्ट्रा फास्ट हाइपर लूप परियोजना का निर्माण करेगा। चलिए 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 14वां क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े तोते के जीवाश्म किस देश में खोजे गए हैं? तो गाइस ये खोजे गए हैं न्यूजीलैंड में। चलिए 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 15वां क्वेश्चन है, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये रिपीट भी हो रखा है एग्जाम्स में। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? ठीक है, तो ये किया है 2019 को। ठीक है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो यह है 2019 को। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, BCCI के वर्तमान CEO कौन है? तो गाइज ये हैं राहुल जौहरी। कौन है? राहुल जौहरी। तो गाइज ये थे कुछ 16 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। गाइज ये वीडियो जो आएगी आप करंट अफेयर्स की वो वीकली आएगी। ठीक है गाइज, इसके बाद उत्तराखंड की वीडियो आ रही है, ठीक है, अगस्त महीने की, जिसमें काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अगस्त महीने के। वो वीडियो आपको लगभग दो तीन दिन बाद आपको मिल जाएगी, लगभग 2 सितंबर तक मिल जाएगी। ठीक है गाइज, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और गाइज अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा लें। चलिए गाइज मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।